Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक. ईद 2024 पे कोई फिल्म लेकर नहीं आ रहे तो क्या हुआ? ईद 2025 होगी ना देन मेगा स्टार सलमान खान की. दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ द ईयर. सलमान खान बिगेस्ट 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 फिल्म विद ना देन साजिद नडियाडवाला एंड AR मुर्गदास. आज से दो दिन पहले ही ये किक टू गर रूमर जो है जो कि बाजार को गर्म कर रहा था उस पर भैया पानी फेंकते हुए नडियाडवाला ने कह दिया कि हम जो फिल्म करने वाले हैं किक टू नहीं है. लेकिन ये भी हिंट दे दिया साथ में कि हमारी फिल्म जो है बहुत जल्दी AR मुर्गदास के साथ जो है वो अनाउंस भी होगी. और भैया ले लीजिए वाइब, रमजान की शुरुआत सलमान खान ने अनाउंसमेंट के साथ कर दी है. एंड गाइस अगले साल ईद पे सलमान खान आने वाले हैं. थ्रिल टू कंटिन्यू माय आर लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन विद सलमान खान एज वी टीम अप विद द ब्रिलियंट AR मुर्गदास ओवर एन एक्साइटिंग सिनेमैटिक जर्नी. ये फिल्म सलमान खान को एक अलग लेवल पर प्रेजेंट करेगी, एक अलग लीग में प्रेजेंट करेगी. जिस तरह से AR मुर्गदास की फिल्में होती है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल अंडरकरंट रहता है अलॉन्ग विद मास एलिमेंट्स, क्योंकि सलमान खान को एक अलग लेवल पर प्रेजेंट करेंगे. दिस वुड बी वन ऑफ आवर मोस्ट एम्बिशियस फिल्म टिल डेट रिलीजिंग ऑन ईद 2025. सो गाइस आज से ऑलमोस्ट एक महीने पहले हमने बात कन्फर्म की थी कि ईद 2025 पे ही AR मुर्गदास की फिल्म जो है यहां पर आएगी अलॉन्ग विद नडियाडवाला. एंड अगली फिल्म सलमान खान जो शुरू करेंगे वो बुल नहीं होगी, वो होगी साजिद नडियाडवाला एंड AR मुर्गदास की फिल्म. एंड आज गाइस फाइनली ये अनाउंसमेंट जो है 12 मार्च 2024 को आ चुका है. एंड गाइस ये इस बात पर ऑफिशियल मोहर जो है लगा देता है. AR मुर्गदास की बात करें तो भैया वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है भाई. आमिर मामू के साथ काम कर लिए एंड अब सलमान भाई के साथ काम कर रहे हैं AR मुर्गदास. सलमान भाई ने भी ट्वीट किया और लिखा है ग्लैड टू ज्वाइन फोर्सेस विद द एक्सेप्शनली टैलेंटेड AR मुर्गदास एंड माय फ्रेंड साजिद नडियाडवाला फॉर अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म. ये कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है एंड मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं इस जर्नी के लिए. आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. और भैया AR मुर्गदास तो बहुत ही खुश है. AR मुर्गदास लिखते हैं सो एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद द लेजेंड सलमान खान. यस फ्रेंड्स, सलमान खान को उन्होंने लेजेंड करके एड्रेस किया है जो कि बहुत बड़ी बात है. AR मुर्गदास खुद अपने आप में एक लेजेंड है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स. उन्होंने कहा है द एस्टीम प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू ज्वाइन फोर्सेज विद दीज इनक्रेडिबल टैलेंट्स. हमने देखा किस तरह से एटली ने शाहरुख खान को एक अलग लेवल पे प्रेजेंट किया, संदीप रेड्डी वांगा ने यहां पर रणबीर कपूर को अलग लेवल पे प्रेजेंट किया. साउथ के डायरेक्टर्स जब भी आते हैं हमारे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं उनको एक अलग लेवल पे प्रेजेंट करते हैं. एंड यही उम्मीद रहेगी कि AR मुर्गदास सलमान खान को वो प्रेजेंटेशन दे, उनका स्टार पावर इस तरह से दिखाए कि बड़ा पर्दा जो है फट जाए. अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा. वन ऑफ द मोस्ट हाई बजट फिल्म्स ऑफ सलमान खान करियर होने वाली है 2025 पे. यह सिनेमा घर में जो है ईद के दिन पर आने वाली है. सो गाइस आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. एक्साइटमेंट लेवल एट इट्स पीक. अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट. कल रात को पता चल ही गया था कि अनाउंसमेंट होने वाली है लेकिन भैया आज सुबह ऑफिशियल अनाउंसमेंट आकर भाई दिन बना दिया, भाई महीना बना दिया, साल बना दिया. तो सलमान खान के फैंस गेट एक्साइटेड क्योंकि बहुत सालों के बाद सलमान खान की कोई फिल्म जो अनाउंस हुई है. एंड आई थिंक किसी का भाई किसी की जान के बाद कोई ऐसी फिल्म अनाउंस हुई नहीं थी गाइस यहाँ पर. लेट्स सी गाइस फिल्म किस तरह से होती है, शूटिंग कब शुरू होगी, क्या होगा. बहुत वक्त है, इसके बारे में आराम से डिस्कशन जो है आने वाले एपिसोड में करते रहेंगे. कितना एक्साइटेड आप बताए कमेंट सेक्शन में. एज ऑलवेज से स्टे कूल मान.